हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस सीरीज अपनी कंप्लीट कर रहे थे, टारगेट था हम लोगों का अभी बायोलॉजी को कवर करना रुक्मणी पब्लिकेशन की किताब से, और टॉप इसके 1450 क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने थे। ये वीडियो आपकी आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम, आगामी लेखा एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइंस से रिलेटेड। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के पीडीएफ कोर्सेज की सहायता से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हिंदी को बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। 95% क्वेश्चन आपको इसी कोर्स से मिल जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। साथ ही साथ लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ग्राम समाज विकास और जानकारी और पूरी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ कोर्सेज प्रिपेयर किए गए हैं एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रालय द्वारा। साथ ही साथ फुली ये पिछले 5 सालों के बेहतरीन जो जीके के क्वेश्चन हैं, ये सभी आप पीडीएफ कोर्स बाय करके बेहतरीन पिन पॉइंटेड स्टडी कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना कि वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है कि वायरस को सजीव कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा अपना कि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सजीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक तिलहन है। तिलहन मतलब क्या होता है, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, ठीक है, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उन्हें कहते हैं तिलहन। तो इनमें से राई है जो इससे तेल निकाला जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है, राई का तेल। तो अपना राई क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 103। वायरस रोग बताना है इनमें से, ये जो 4 रोग दिए गए हैं इनमें से वायरस रोग कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा दोस्तों ये एक वायरस जनित रोग है, और अगर इसका वायरस पूछा जाए तो मिनसो वायरस से ये बीमारी होती है। कौन से वायरस से, मिनसो वायरस से। अगर बात करें डिप्थीरिया की, तो दोस्तों कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से ये उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, जीवाणु से उत्पन्न होता है, कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से आपका डिप्थीरिया रोग होता है। टाइफाइड के बारे में बात करें तो साल्मोनेला टाइफोसा, कौन सा, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जो जीवाणु होता है उससे आपका टाइफाइड रोग होता है। हैजा के बारे में बात करें तो विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। तो ये जो 3 रोग हैं, ठीक है, आपके डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा, ये हैं आपके जीवाणु जनित रोग। क्लियर। और आपका जो इन्फ्लुएंजा है ये होता है मिनसो वायरस से, ये है वायरस जनित रोग। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस होते हैं एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय या फिर स्वतंत्र जीन, क्या होते हैं वायरस। तो उत्तर हो जाएगा आपका अकोशिकीय, ठीक है। वायरस कैसे होते हैं, अकोशिकीय आपके होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं इस पुस्तक के लेखक। तो उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 105 का, ठीक है, डार्विन। क्लियर। चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। अगर पूछा जाए इसका विमोचन कब हुआ था, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1859 में, ठीक है, 1859 में इस किताब का प्रकाशन किया गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है। आप सभी को पता होगा HTLV3, इसको कहा जाता है, HIV भी कहा जाता है, ठीक है, हेट्रो इम्यून वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर। और HIV पूछा जाए तो हेट्रो इम्यूनो वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोएटर अथवा थायरॉयड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में
किसकी कमी से होती है? तो भैया थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि होती है आयोडीन की कमी से, ठीक है। उनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है ना, तो यही होता है घेंघा रोग। जो थायराइड ग्रंथि है इसकी अस्वाभाविक वृद्धि हो जाती है और गला सूज जाता है, गला दिखाई देता है, ठीक है। तो घेंघा रोग कहते हैं उसको, और ये होता है आयोडीन की कमी से। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 है, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है? उत्तर हो जाएगा वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, यानी कि जो वायरस, ठीक है, जीवाणु विषाणु इसको कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज का आपको अगर डायग्राम में बताऊं तो कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यहाँ पे इसका ये जो डीएनए है ये भरा होता है, ये इसका प्रोटीन का आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, क्लियर। और ये जो इसका आपको दिख रहा है, इससे ये क्या करता है, जो आपकी जीवाणु की कोशिका है इस पर पकड़ बनाता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 है अपना, उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीवाणु, ठीक है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्लियर। चलिए, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए शैवाल और कवक की सहोपकारिता को क्या कहते हैं, ठीक है, शैवाल और कवक की सहोपकारिता को क्या कहते हैं, भैया इसको लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन मतलब जब शैवाल भी लाभ प्राप्त करे और कवक भी लाभ प्राप्त करे, ठीक है, रूप से इसको कहा जाता है लाइकेन। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए लाइकेन किस काम आता है, तो लिटमस पेपर को बनाने में काम आता है। किस पेपर को? लिटमस पेपर बनाने में काम आता है भैया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 110 है अपना, उत्तर हो जाएगा विषाणुओं में, ठीक है। मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं भैया विषाणुओं में। विषाणु सीधे ही अपना डीएनए पहुंचा देते हैं जीवाणु में या फिर उस कोशिका में जिस पर वो भक्षण करते हैं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैक्टीरियोफेज में होता है, क्वेश्चन नंबर 111 है अपना, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस में, क्लियर। और द्विकुंडलित डीएनए, किस प्रकार का? द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका जो शरीर होता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक विषाणु के खोजकर्ता थे, ठीक है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, इवाइनोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। और टाइम पूछा जाए तो 1892 में भैया टोबैको मोज़ेक वायरस की सबसे पहले इनने खोज की थी। किसकी? टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की, क्लियर। साथ ही साथ विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं, अतः इसे सजीव और निर्जीव के बीच ही क्या कहा जाता है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा आपका पॉक्स वायरस, ठीक है। सबसे बड़ा विषाणु अगर पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे पॉक्स वायरस। अगर आपसे बात करें दोस्तों चिकन पॉक्स वायरस की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्योंकि चिकन पॉक्स, इसको छोटी माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे चिकन पॉक्स पूछा जाए कि किस वायरस से होता है, तो आप बताएंगे बेरीसेला नामक वायरस से, ठीक है। अब इसको याद रखना, बेरीसेला वायरस से। अगर आपसे पूछा जाए एप्पल पॉक्स, तो आप बताएंगे बेरी भोला वायरस, ठीक है, बेरी भोला। सेला और भोला में कंफ्यूज मत होना, चिकन पॉक्स बेरी सेला से, एप्पल पॉक्स बेरी भोला से, क्लियर। एक और होता है वायरस, ठीक है, हर्पीस वायरस होता है दोस्तों, हर्पीस विषाणु से, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है अपना, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था ओपेरिन ने, क्लियर। किसने लिखा था? ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक किताब को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से कंफ्यूज मत हो जाना अब, ठीक है, ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ, आंसर हो जाएगा ओपेरिन ने भैया इसको लिखा था। टाइम पूछा जाए तो 1936 में इसको प्रकाशित किया गया था,
क्लियर। और ओपेरन का नाम पूरा क्या था, ए आई ओपेरन, क्लियर। चलिए, और अगर पूछा जाए इस किताब में क्या लिखा है, तो इस किताब में दोस्तों जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन रेस्पायरेशन विकसित हुआ था। तो दोस्तों एनएरोबिक प्रकार का श्वसन सबसे पहले विकसित हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार का श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है एनएरोबिक श्वसन कहलाता है, ठीक है। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय एनएरोबिक श्वसन ही करते थे जीव, क्लियर। और इस प्रकार के श्वसन में जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस प्रकार की श्वसन में आपकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है एरोबिक श्वसन, क्लियर। एरोबिक रेस्पायरेशन, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विषाणु होते हैं, विषाणु किस प्रकार के होते हैं आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण परजीवी, ठीक है। विषाणु दूसरे पर ही आश्रित हैं, क्लियर। चलिए साथ ही साथ दोस्तों, वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है, ठीक है। परजीवी मीन्स पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि जोंक हो गया, जू हो गया, ठीक है, अमरलती होता है एक, वो हो गया। और वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वैसे जीव कहलाते हैं मृतोपजीवी, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए कबक हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी कौन सा है। अब ये तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोरिल्ला, ठीक है। इन चार प्राइमेट्स के बारे में बात करें अगर, तो गोरिल्ला मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी माना जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों समरूप, यानी एनालॉगस, ठीक है। किस प्रकार के होते हैं, एनालॉगस प्रकार के ये पंख आपके पाए जाते हैं, समरूप पंख इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं बचा है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कि निमेशक पटल होती है एक, तो ठीक है आँख की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों ऐसे जीवों को कहा जाता है सेप्रोफाइट, क्लियर। क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट कहा जाता है। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सरीसृपों का युग किसे कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उत्तर हो जाएगा मीजोजोइक महाकल्प, ठीक है। मीजोजोइक महाकल्प को दोस्तों सरीसृपों का युग कहा जाता है, सरीसृपों का काल कहा जाता है। इसको देख लेते हैं, तो दोस्तों मीजोजोइक महाकल्प या फिर मध्यजीवी महाकल्प के ट्रियासिक काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने और रेंगने वाले जो जीव थे उनका विकास हुआ, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। जो मीजोजोइक महाकल्प है ना, इसमें बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का हुआ था विकास पृथ्वी पे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो दोस्तों मोनोसैकेराइड ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 से अपना, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है। तो प्रोटीन, आंख बंद करके आंसर दे देना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नई कोशिकाओं के निर्माण में, शरीर की वृद्धि में। एक और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सारे अमीनो अम्ल होते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं भैया प्रोटीन, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला प्रश्न है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। तो दोस्तों शरीर में प्रोटीन का संचरण होता है अमीनो एसिड्स के रूप में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन्स का संचरण होता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो यूरिया का संश्लेषण होता है शरीर में यकृत में, क्लियर। कहाँ पर, यकृत अपना उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है। तो पित्त रस का निर्माण भी होता है यकृत में, ठीक है। और इसका ये
रखा कहाँ जाता है, तो भैया पित्ताशय में स्टोर होता है पित्त रस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 अपना, कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यानी कि ठीक है उत्सर्जी पदार्थ बताना है कीट का। उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर, यूरिक एसिड अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए तो वैसे जी भी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं, उन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्या कहा जाता है उन्हें, यूरिकोटैलिक कहा जाता है, जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं। क्लियर। और वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें अमीनोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, अमीनोटैलिक। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, सभी कीट क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। सभी कीट होते हैं दोस्तों यूरिकोटैलिक, यानी कि यूरिक एसिड निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ठीक है, सभी कीट किस प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरिकोटैलिक आंसर देंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। तो दोस्तों रबों के रूप में सबसे पहले तैयार किया गया था यूरियाज एंजाइम को। क्लियर। साथ ही साथ जो लाइपेज एंजाइम होता है फैट को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम फैट को करता है फैटी एसिड्स में, साथ ही साथ ग्लिसरॉल में। क्लियर। चलिए उत्सर्जन की इकाई बताना है, उत्सर्जन की इकाई क्या होती है आपकी, क्या बताएंगे उत्तर, क्वेश्चन नंबर 128 है, उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन्स। चलिए नेफ्रॉन्स। और अगर आपसे पूछा जाता कि तंत्र की इकाई बताना है, ठीक है तंत्र की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है दोस्तों न्यूरॉन। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 129, उत्तर हो जाएगा यूरेमिया। ठीक है, जब बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इस रोग को कहते हैं यूरेमिया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षी किस प्रकार के होते हैं, ठीक है यूरिकोटैलिक, अमीनोटैलिक या यूरिटीटैलिक, जल्दी से बताइए। उत्तर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 130 का यूरिकोटैलिक। क्लियर। जो यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल जो जीव देते हैं यानी निकालते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक। क्लियर। चलिए तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि आपके RRB NTPC एग्ज़ाम, आपके RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम, साथ ही साथ आपके UPSI और UP लेखपाल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डेली हम लोग ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग इन सभी कोर्स को ख़रीदना चाहे, साथ ही साथ इनमें से किसी एक कोर्स को भी ख़रीदना चाहे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर मैसेज करके इसका डेमो देखें। अगर आपको अच्छा लगे, आप ख़रीदना चाहें, तो आप इन बेहतरीन कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और गारंटी देता हूं मैं, इनसे अच्छी प्रिपरेशन आप किसी भी बुक तक में नहीं कर पाओगे, और इनको लेने के बाद आपको वैसे ही किसी बुक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहने वाली है। क्लियर। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।